नमस्कार बहुत दिनों से इस कुर्ती के लिए आप लोगों का अनुरोध था कि इसका मैं ट्यूटोरियल बनाऊं आज ये ट्यूटोरियल वीडियो में बना रही हूं और इसके साथ ही साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो स्लो या फास्ट करके कैसे देखें और गले की टी शर्ट जैसी ये जो बटन पट्टी है ये कैसे बनाएं ये दोनों वीडियो भी जरूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक हैं आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें आइए ये जो इतनी सुंदर एकदम शानदार कुर्ती है इसकी अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके फंदे और साइज की बात करते हैं ये मैं आपको पहले इसका साइज बताऊंगी, फिर फंदे बताऊंगी और फिर हम बुनाई की बातें करेंगे तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है यहां पर ये आ रही है पंद्रह इंच ठीक और इसकी जो लंबाई है ये लगभग आ रही है बीस इंच बीस इंच के करीब इसकी लंबाई है छह सात साल तक के बच्चे के लिए यह साइज ठीक रहेगा ये जो चेस्ट है इसकी ये लगभग आप देख रहे हैं साढ़े चौदह पंद्रह इंच के करीब है ऊन है तो ये तो थोड़ा ऐसे खिंच जाता है ढीला बुना हुआ है इसलिए और भी एक दो इंच की गुंजाइश है इसमें फिर ये जो मुड्ढा है ये लगभग सात इंच सात इंच के करीब यह हमारा ऊपर से यहां तक मुड्ढा है यह स्ट्रेट कटा हुआ है जैसे लखनऊ के कुर्ते में कटता है उस तरह से स्ट्रेट कटा हुआ है ये अब ये आप आगे इस तरह से खोलकर पट्टी बनाएं ये भी कर सकते हैं तो ये आपके इच्छा है आप यहाँ पर वी कर सकते हैं गला या इस तरह से पट्टी बना सकते हैं जिसको तीरा कहते हैं जो ऊपर का हिस्सा है ये लगभग ग्यारह इंच के करीब है गले की जो गहराई है ये तीन साढ़े तीन इंच है ये सब अपनी इच्छा के अनुसार हम बदल भी सकते हैं इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है ये थोड़ा अंदाज हम देते हैं बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको बदल सकते हैं वहां की लंबाई लगभग चौदह इंच है शुरुआत में जो वहाँ है, यहाँ पर ये लगभग साढ़े तीन इंच के करीब शुरुआत में दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये हो रही है लगभग साढ़े सात इंच के करीब तो इस तरह से इसका हमने ये तो अभी साइज समझा अब ये साइड से खुली हुई है ये ये जो खुलना है ये लगभग तीन इंच के आसपास खुलना हुआ है इसमें नीचे फंदे हैं एट्टी एट फंदे हैं मल्टीपल ऑफ सेवन प्लस फाइव साथ के गुणा से जमा पांच फंदे बुनाई के लिए चाहिए और जो साइड के दस दस फंदे बॉर्डर के ये जो हमारा साइड का बॉर्डर है ये दस फंदों का है दस फंदे यहाँ है दस फंदे यहाँ है अब ये आपके ऊपर है आप ये कितनी सलाइया बुनते हैं जैसे यहाँ पर ये बारह सलाइया बुनने के बाद डिजाइन डाला गया है तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं ये जो टोटल यहाँ तक खुलने वाली जगह तक की सलाइया हैं ये देखिए तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो ये लगभग बत्तीस या चौतीस लाइया हैं ये जो सोलह धारियां दिखाई दे रही हैं तो बत्तीस चौतीस सलाइया आप बुन सकते हैं और उसके बाद ये प्लेन बुना जाएगा अब आते हैं हम ऊपर की तरफ इसमें हमको ये समझना है ये जो दो उल्टे फंदों की धारियां हैं ये यहाँ पर डिजाइन से ही ऊपर की तरफ जा रही है और यहां पर आकर ये डिजाइन हमने डाला तो ये एकदम पूरी सीध में आई है यही इसकी खूबसूरती है ये यहां पर चौबीस फंदे हैं यहां से अगर गिने तो ये तेईसवां और चौबीसवा जो फंदा है ये दो उल्टे फंदे बनकर ऊपर तक जा रहा है अब देखिए यहां से हम थोड़ा समझते हैं ये दो फंदे उल्टे ये तीसरा एक फंदा सीधा तीन हो गए फिर यहां पर तीन फंदे हैं हमारे ये छह फंदे हो गए ये एक सात और ये आठ नौ और एक दस तो दस फंदे का यहां तक हमारा है बचे हुए चौदह फोर्टीन स्टिचेस को एक साथ घटा दिया आपके भी जैसे फंदे हैं उनको थोड़ा बहुत आप चाहें तो एडजस्ट भी कर सकते हैं वहां के फंदों की बात कर लेते हैं ये लगभग पचास फंदे फिफ्टी स्टिचेस डालकर वहां शुरू करी गई है तो अब आप थोड़ा बॉर्डर अपना हिसाब से बनाएंगे अपनी बुनाई अपने हिसाब से बनाएंगे जितना भी आपको डालनी है थोड़ी घटाना बढ़ाना कर सकते हैं उसके बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पर बढ़ाते हुए ये हमारे यहाँ पर हो गए हंड्रेड सौ फंदे हमारे यहाँ पर हो गए हैं उसके बाद लगभग दस या बारह सलाई हमको बिना घटाए हुए सीधी बुननी है क्योंकि यहाँ पर भी हमारा सीधे फंदे घटे हुए हैं और ये भी हमारी सीधी बुनकर आएगी और वो यहाँ पर जुड़ेगी यहाँ पर ये वहाँ जुड़ेगी और ये वाले फंदे यहाँ पर जुड़ेंगे जैसा ये फ्रंट में है इसका जो बैक साइड है पीछे की तरफ तो देखिए ये भी इस तरह का डिज़ाइन है तो ये सब बहुत आसान है अब देखिए ये दस फंदे फिर ये ग्यारह है, है ना बीच के तीन हैं बारह तेरह चौदह ये पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस पच्चीस फंदों तक की बुनाई मुझे आपको दिखानी है, है ना उससे आपको समझ में आ जाएगा लेकिन थोड़ा साइड में भी रहे इसलिए हम छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस सत्ताई, उनतीस तीस इकतीस बत्तीस बत्तीस फंदों में आपको बुनाई डालकर दिखाते हैं क्योंकि ये कुर्ती है कुर्ती में अगर आप डिज़ाइनर फंदे डालेंगे तो अच्छा लगेगा तो डिज़ाइनर फंदे कैसे पड़ते हैं ये देखिए मैंने ऊन को डबल करा है आप तीन भी कर सकते हैं अभी मैं सिर्फ डबल ऊन में करके दिखा रही हूँ तो ये हमने पहला फंदा नॉर्मल की तरह बनाया अपना अब उसके बाद ये देखिए दूसरा वाला अंदर की तरफ से लाते हैं और इस पर बनाते हैं समझिए तो पहला फंदा बाहर की तरफ से अंदर ले जा रहे हैं और इसको बुनकर बनाया दूसरा फंदा अंदर की तरफ से बाहर ला रहे हैं पीछे वाली ऊन पर सलाई डालकर और इसको फंदा बना रहे हैं तो ये जोड़े से फंदे पड़ते हैं और इस तरह से उभरे हुए आते हैं अच्छे लगते हैं इसे देख लेते हैं बाहर की तरफ से अंदर की तरफ गए बाहर वाली ऊन के नीचे सलाई डालकर फंदा बनाया दूसरी बार अंदर की तरफ से बाहर आए और पीछे वाली ऊन के नीचे डालकर फंदा बनाया तो इस तरह से बत्तीस फंदे डालकर ना मिलती हूँ आपको थर्टी वन फंदे हमारे हो गए हैं ये हमारा बत्तीसवां फंदा हो गया इसमें लगाई गांठ अभी हम उल्टी तरफ हैं तो अभी वैसे भी हमको बॉर्डर बुनना है तो हम ये सलाई पूरी उल्टी बुन रहे हैं और बॉर्डर की हम कुछ सलाइयां पूरी उल्टी बुनकर फिर आपको मिलेंगे तो ये मैंने दिखा दिया कि ये वाली सलाई पहली हमने उल्टी बुनी है आपको जितना भी चौड़ा बॉर्डर रखना है आप उतना रखेंगे ये हमने पहली सलाई उल्टी बुन ली अब हम दूसरी सलाई उल्टी बुन रहे हैं तो बस इसी तरह से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हमको ये नीचे का बॉर्डर बनाना है अभी हम यहाँ से यहां तक बत्तीस फंदों में बुनाई देखेंगे जब आप पूरा बुनेंगे तो इसी बुनाई को आप आगे ले जाकर और इसको उल्टी तरफ भी बना लेंगे यहाँ मैंने निशान लगाया है जिससे आपको समझ में आए कि हम कहाँ तक बुनते हुए जा रहे हैं जितना भी आपको बॉर्डर बनाना है उतना आप बॉर्डर बना लेंगे और उसके बाद हम क्या बुनाई करेंगे ये समझिए साइड के जो हमारे दस फंदे उल्टे हैं ये हमने दस फंदे उल्टे बुने तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस दस फंदे उल्टे बुने हमने ऊन बाहर की तरफ ले गए एक फंदा सीधा अब उसके बाद ऊन अंदर की तरफ लाए हमारी जाली पड़ेगी और अगले तीन फंदों को हमको सीधा जोड़ा बनाना है तीन फंदों को एक साथ लिया तीन सीधे का जोड़ा ऊन अंदर की तरफ लाए एक फंदा सीधा ये हमारी आएगी ये वाली बुनाई अब उसके बाद दो फंदे उल्टे फिर एक फंदा सीधा फिर हम ऊन अंदर की तरफ लाए तीन सीधे फंदों का फिर से जोड़ा तीन सीधे फंदों में सलाई घुसाई तीन सीधे फंदों का जोड़ा बनाना है एक साथ बुनना है ऊन अंदर की तरफ लाए अगले फंदे को हमने सीधा बुना तो यहीं पर हमारा एक फंदा बढ़ गया एक फंदा घट गया इसके बाद फिर हमको दो फंदे उल्टे बुनने हैं फिर हमको एक फंदा सीधा बुनना है फिर ऊन अंदर की तरफ लाएंगे और ये तीन सीधे फंदों का जोड़ा फिर ऊन अंदर की तरफ लाए एक फंदा सीधा ऊन अंदर की तरफ लाए दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा तो इस तरह से मैं आपको मेनली बुनाई बता रही हूँ जो यहाँ पर पड़ी है उल्टी सिलाई पूरी उल्टी है तो ये मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनकर चार सिलाइयों का डिज़ाइन है तो दो सलाई हमारी ऐसे हो गई ये जाली वाली ऊन आई है हमारी इसको हमने बुना जाली बन गई फंदा बुन गया आसानी से बहुत आसानी से दूसरी सलाई बुनकर मैं मिलती हूं आपको तो हमने ये उल्टी बुनली सलाई अब हम आ गए तीसरी सलाई पर तो जो साइड के फंदे हैं ये हमको दस फंदे उल्टे बुनने हैं और अब हमको ना बुनाई थोड़ी दिखाई देने लगेगी ऊन हम पीछे की तरफ ले गए पहला फंदा हमने सीधा बुना अब ये हमारे वो वाले फंदे हैं जहाँ पे हमने घटाने का जाली डालने का काम किया था इन तीनों फंदों को हमें सीधा बुनना है है, इसको भी सीधा बुनना है और उसके बाद ये बीच के दो फंदे उल्टे हैं फिर ये हमारा सीधा एक फिर ये तीन सीधे हैं जो जाली वाले थे हमारे और उसके बाद ये साइड वाला एक सीधा तो ये पांच फंदे हमारे सीधे हो गए और दो फंदे उल्टे जा रहे हैं तो ये दो फंदे उल्टे फिर से फिर ये एक सीधा सीध वाला ये जाली वाला ये बीच के जो हैं तीन हैं ये तीन सीधे फिर ये एक और सीधा और ये वाले दो फंदे उल्टे ये हमारी हो गई तीसरी सिलाई हो रही है ये वाला फंदा सीधा दो उल्टे के पास वाला एक सीधा अब हम आ गए चौथी सिलाई फोर्थ रो पर जो पूरी उल्टी बुनी जाएगी तो इसको उल्टा बुनकर मैं मिलती हूं और आपको एक बार फिर से रो वन पहली बार की सिलाई जो है ना उसको मैं बुनकर दिखाती हूँ आ गए हम फिर से पहली सिलाई पर फोर रो रिपीट पैटर्न कहाँ है ना हमने चार सिलाइयों का दोहराने वाला डिजाइन है तो फिर से हम दोहराएंगे साइड के फंदे हमको दस फंदे उल्टे बुनने हैं अब तो बुनाई काफी अच्छे से दिखाई दे जाती है फिर कोई परेशानी की बात नहीं है दस फंदे उल्टे हो गए ऊन बाहर की तरफ ले गए ये हमारा एक फंदा सीधा है जो किनारे वाला जैसा है धारी है सीधी लाइन है उन अंदर की तरफ लाए और इन तीन फंदों को इकट्ठा एक, एक साथ समझ गए जोड़ा बनाना है यहीं दो फंदे घट रहे हैं यहीं दो फंदे बढ़ रहे हैं कैसे एक बार फिर से अंदर की तरफ ले आए तो ये जाली पड़ गई और हमारा एक फंदा बढ़ गया इसको सीधा बुन लिया बीच के जो दो फंदे हैं इनको उल्टा बुना इसको फिर से सीधा फिर से उन अंदर की तरफ इन तीन फंदों का जोड़ा फिर से ऊन अंदर की तरफ फिर से एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे फिर यह फंदा सीधा ऊन अंदर की तरफ तीन सीधे फंदों का जोड़ा फिर से ऊन अंदर की तरफ एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे और ये एक फंदा सीधा इस तरह से हमने जो हमारी बुनाई दोहराई जाने वाली है उसकी हमने पहली सलाई बुन ली अब हम दूसरी सलाई बुनेंगे जो उल्टी है अब देखिए इसी तरह से इस बुनाई को हम चार बार यहां पर चार बार बुना गया है मतलब चार चौक सोलह है सोलह सलाइयां बुनी गई अब आपकी मर्जी है आप चार बार बुनना चाहें पांच बार बुनना चाहें साइज के हिसाब से होता है जैसे ये मतलब ये छह सात साल तक के बच्चे को आ जाएगी बाकी बच्चे के साइज के ऊपर डिपेंड करता है उसकी हेल्थ के ऊपर तो अगर आप इससे भी बड़े साइज की बनाएं तो आप छह बार कर सकते हैं और अगर छोटे साइज की बनाएं तो तीन बार भी कर सकते हैं अगर दो तीन साल के बच्चे की बना रहे हैं कुर्ती तो इन सब चीजों को थोड़ा साइज के हिसाब से उस अनुपात से घटा बढ़ा दिया जाता है तो अभी मैं ये चार बार बुनकर आपको मिलती हूँ फिर ये ऊपर की बात मैं आपको दिखा दूंगी अब देखिए तीन बार हमने ये डिजाइन बना लिया है अगर आप देख पाए तो ये डिजाइन ना इतना सुंदर है कि इसको तो छोड़ दीजिए ये वाला डिजाइन आप जेंट्स स्वेटर में लेडीज स्वेटर में कहीं भी डाल सकते हैं आराम से हर कोई डाल सकता है ये बीच के दो फंदे उल्टे हैं और बाकी ये पांच फंदों की बुनाई हो गई तो अभी मेरे को एक बार और बनाना है तीन बार मैंने बनाया है अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ पहले तो कि ये एक बुनाई है ये दूसरी बुनाई है ये दो उल्टे फंदे हैं ये दूसरे सेकेंड वाले दो उल्टे फंदे हैं ये जो हमारे सेकंड वाले दो उल्टे फंदे हैं इसकी लाइन हमारी ऊपर तक जा रही है तो हमको क्या करना है अब जब हम अपना बॉर्डर पूरा बनाएंगे और ऐसे चार बार बुनाई रिपीट कर लेंगे तो जब हमारी ये लंबाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ये प्लेन का जब काम करना है तो ये सब फंदों को हमें सीधा बुनना है ये हम फ्रंट साइड में हैं और इन सब फंदों को सीधा बुनते हुए हम पहुंच जाएंगे अपने दो उल्टे जो फंदे हैं वहां तक हमको पहुंचना है ये एक बार जरा सा बुनोगे ना आपको एकदम समझ में आ जाएगा ये आ गए हमारे पहले वाले दो उल्टे इनको सीधा बुनना है अभी सब कुछ सीधा बुनना है ये सब सीधा बुनते बुनते हम पहुंच गए ये हमारे दो उल्टे वाले फंदे हैं बस इनको हमें दो उल्टा बुनना है बाकी जो पूरी सलाई है तो मतलब सीधी तरफ दो फंदे उल्टे बुनने हैं और आप बुनाई सेट कर लोगे उल्टी तरफ के दो फंदे उल्टे, उल्टे, उल्टे बुनने हैं बाकी सारी सलाइयां आपको सीधी और उल्टी बुननी है इन दो फंदों के अलावा ये दो फंदे फ्रंट साइड में भी आपको उल्टे बुनने हैं तो ये हमारी सीधी सलाई हो गई उल्टी सलाई अब हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगी तो ऐसा बुनते बुनते हम ऊपर तक जाएंगे और फिर ऊपर का मैं और थोड़ा सा आपको दिखा देती हूं एक बार अब आपने बुनाई तो समझ ली कि, कि कितनी आसान है अब ये यहां पर समझ लीजिए कि जब हम ये फंदे घटाएंगे उसके बाद एक फंदा हमारा सीधा दो फंदे उल्टे फिर पांच फंदों की मेन बुनाई मतलब यहां से यहां तक पांच फंदे है ना फिर ये दो फंदे उल्टे और फिर बाकी फंदों को हम इधर की तरफ है हमारे तो अगर आपको ये मुड्ढे के बराबर में बुनाई डालनी है तो आपको सिर्फ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदों में ये आपकी बुनाई पड़ जाएगी जो ये ऊपर मुड्ढे तक चली जाएगी ठीक मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया है बुनाई बहुत ही आसान है आइए अब हम इस डिजाइन को समझते हैं आपके जितने भी फंदे हैं उनके बीच से ये डिजाइन पड़ेगा ट्वेंटी बीस फंदे लेकर मैं ये सीधी तरफ हूं और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे, दे देती हूं जिससे आप इसको डाल सकें दस फंदे बुनकर मैं बीच में पहुंचती हूं दस फंदे मेरे सीधे हाथ की सिलाई पर हैं दस फंदे मेरे उल्टे हाथ की सिलाई पर हैं ऊन आगे की तरफ ला रहे हैं जाली के लिए एक फंदा बढ़ रहा है और अगले दस फंदों को हम सीधा बुनेंगे उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी वो जो हमने जाली डाली है वो एक फंदा हमने बढ़ाया है बस ये हम बीच में आ गए ये हमने जो जाली डाली थी ये एक फंदा हमारा बढ़ गया है इसको भी हमने उल्टा बुन लिया पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे सीधी सलाई में जो हमारे इधर के फंदे हैं जिनको हमें प्लेन सीधा बुनना है तो उनको हम सीधा बुनते हुए और अपने बीच में जो हमारा सेंटर है उसके पास तक हम आ गए यह सेंटर वाला फंदा है और इसके पहले के जो ये दो फंदे हैं इनको हम दो सीधे का जोड़ा बनाया ऊन अंदर की तरफ लाए जाली के लिए ये हमारा अब सेंटर का फंदा है इसको हमने सीधा बुना फिर से ऊन अंदर की तरफ लाए जाली के लिए अब इस फंदे को हम स्लिप करा रहे हैं अगले फंदे को सीधा बुन रहे हैं स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार रहे हैं मतलब हम फंदा घटा रहे हैं थोड़ा फंदा घटाने के तरीके हमने दो तरह से बनाए हैं कि ये थोड़ी जो लाइन है ये हमारी अच्छे से दिखाई दे आप किसी भी तरह से फंदे घटा सकते हैं और ये लाइन जो है ये अच्छी दिखाई दे इस बात का ख्याल करना है और जाली पड़नी है तो ये हमने बीच का, का काम कर लिया बाकी फंदों को सीधा बुनना है उल्टी सलाई पूरी उल्टी बुननी है ये बीच में वो है जहां हमने जाली डाली थी और ये हमारे बीच के फंदे हैं इनको बस आराम से उल्टा बुनते हुए हम पूरी सलाई करेंगे अब जो सीधी सलाई है इसमें आप इसमें आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि जो हमारे बीच का तिकोना जैसा बन रहा है वो अब बढ़ेगा ये हम आए यहाँ पर अब ये पहले एक फंदा था सेंटर में अब हमारे ये तीन फंदे सेंटर के हैं और उसके पहले के दो फंदों को हम दो सीधे का जोड़ा बना रहे हैं ऊन अंदर की तरफ ला रहे हैं जाली के लिए और ये तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे एक दो और तीन फिर से ऊन अंदर की तरफ लाएंगे जाली के लिए इसको उतारा इसको बुना इसको इसके ऊपर से उतार दिया तो इस तरह से ये जो हमारा बीच का हिस्सा है ये अब बढ़ने लगा है ये जो जाली है ये हमारी वी जैसी शेप अंग्रेजी के वी जैसी शेप बनती जा रही है आगे के सारे फंदे सीधे उल्टी सलाई पूरी उल्टी अब अगली सीधी सिलाई पर हम आ गए हैं ये देखिए अब ये जो बीच का है यहां पर तीन की जगह पांच फाइव स्टिचेस हो जाएंगे और ये दोनों को हमें जोड़ा बनाना है इन दोनों का जोड़ा बनाया उन अंदर की तरफ लाए और बीच के पांच फंदे एक दो तीन चार पाँच को सीधा बुना फिर से ऊन अंदर की तरफ लाए इसको स्लिप कराया इसको बुना स्लिप कराए हुए को इसके ऊपर से उतार दिया तो ये आप देख रहे हैं शेप बनने लगी तो ऐसे मैं और दो जालियाँ और डालूँगी मतलब दो सीधी सिलाई और बुनकर फिर आपको मिलती हूँ अब देखिए यहाँ हम पहुँच गए हैं और ये जो दूसरा वी है इसको हम अब शुरू करेंगे तो उसके लिए हम ये बुन रहे हैं ये वाली बुनाई तो हमारी ऐसे ही जाएगी जो हमारा बाहर वाला है वी इसको तो हमें इसी तरह बुनना है यहाँ पर आए इन दोनों फंदों को हमने जोड़ा बनाया ऊन अंदर की तरफ ली अब आप समझिए जो ये अंदर फंदे हैं हमारे ये हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह है ना असमान हैं तो हमको इनको कैसे करना है ग्यारह फंदे हैं मैं पांच फंदे बुन रही हूँ एक दो तीन चार और पाँच अब उसके बाद मैं ऊन अंदर की तरफ लाई और इधर मैं एक जोड़ा बना दूंगी तो ये मेरे दोनों तरफ पांच पांच फंदे हो जाएंगे तो अब एक ये हम सिर्फ एक बार फंदे समान करने के लिए कर रहे हैं एक हो गया दो तीन चार और पांच तो ये हमारे फंदे समान हो गए और हम ये और हम ये जाली के लिए ऊन ले आए अंदर की तरफ और इधर हमको वैसे ही करना है एक फंदा स्लिप कराया अगले फंदे को बुना इसको इसके ऊपर से उतार दिया इस तरह से हमने जो हमारा दूसरा वी है वो शुरू कर दिया है तो ये बात आपको अब समझ में आ गई कि हमको अब दोनों को लेकर चलना है मैं एक बार और दिखाती हूँ आपको उसके बाद फिर हमें ऊपर कैसे स्ट्रेट जाना है वो मैं बताऊंगी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनकर मैं मिलती हूँ आपको आइए इसको एक बार हम और समझ लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पर लगभग दस जालियां हैं है, है ना और यहाँ पर लगभग पंद्रह सोलह जाली हैं तो पांच छह जाली के बाद हमने ये शुरू करा है तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे साइज़ के हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसके बाद ये सीधा जाना है तो मैं अभी आपको ये वाला थोड़ा और करके एक बार दिखाती हूँ उसके बाद हम ये सीधा कैसे जाएंगे उसको हम समझेंगे सीधी तरफ हम हैं और हम दो वी जो हैं हमारे दोनों वी जो हैं उनका काम करेंगे तो ये अभी हमारा पहला वाला वी आया तो हमने ये दो का जोड़ा बनाया उन अंदर की तरफ लाए और उसके बाद हमने इसको बुना इसको बुना आगे हम बुनाई कर रहे हैं अभी हम सेंटर में पहुंचेंगे जो हमारा बीच वाला है अब देखिए यहां पर हम आ गए हैं ये हमारी पिछली बार का फंदा है जो हमने बढ़ाया था अब हम इन दो फंदों को जोड़ा बनाएंगे जैसे हम बाहर का वी बना रहे हैं ऊन अंदर की तरफ लाएंगे और इसको बुनेंगे फिर से ऊन अंदर की तरफ लाएंगे यहां पर वैसे ही जैसे हम बाहर वाले वी में घटाते हैं एक फंदा हमने स्लिप कराया अगले फंदे को हमने बुना और इसको इसके ऊपर से उतारा फिर हम आगे जा रहे हैं अब ये हमने सीधा बुना ये सीधा बुना जो हमारे जैसे हम बुनाई कर रहे हैं ये हमारी पिछली बार की जाली है इसको सीधा बुना फिर हम ऊन अंदर की तरफ लाए इसको हमने स्लिप कराया अगले फंदे को सीधा बुना स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतारा तो इस तरह से ये हम दो वी बनेंगे तो ये तो मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ गई बात कि जैसे यहां पर एक का तीन तीन का पांच हुआ था तो ये भी बढ़ता जाएगा अब हम उल्टी सलाई बुनकर थोड़ा सा सीधा ऊपर जाने का तरीका और देख लेते हैं इससे पहले कि मैं आगे चलूं मैं आपको बता दूं ये टी शर्ट जैसा गला कैसे बनाएं इसका हमारा एक वीडियो है वो आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका गला बना सकते हैं वी गला बना सकते हैं या इस तरह का बना सकते हैं तो वो आप कैसा भी गला बना लीजिएगा अभी मैं आपको सिर्फ ये स्ट्रेट कैसे करना है वो बता देती हूँ कि अभी तक जब हम घटा रहे थे अभी तक जब हम जोड़ा बना रहे थे ना तो इस वाली लाइन का और इससे पहले वाले को मिला के बना रहे थे लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे लेकिन जब हमको स्ट्रेट जाना है ऊपर तो हम इस किनारे वाले फंदे को और पहले की सलाई में जो हमने जाली से फंदा बढ़ाया है उसको लेकर हम दो का जोड़ा बनाएंगे ऊन अंदर लेंगे और हम फिर आगे की बुनाई वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे तो अब हम ऐसे मान लेते हैं मैं आपको सैंपल दिखाने के लिए मैं मुड़ जाती हूं और उल्टी सिलाई बुनकर फिर से मैं एक बार आपको दिखाती हूं तो जितनी भी जगह ये सीधी लाइन जा रही है आपको ऐसे ही बुनना है तो हम एक बार फिर से देखेंगे इसको जरा मैं उल्टा बुनकर फिर से एक बार सीधी तरफ आकर आपको दिखाती हूँ पजामी का साइज मुझे अभी आपको और बताना है ये देखिए हम फिर से आ गए मानिए हम सीधी सिलाई पर आएंगे तो हम ये फिर से आएंगे यहां फिर ये हमारा जो सीधा फंदा है इसको लेंगे और इसके पास अब हमारे इधर फंदे घटेंगे नहीं जितने भी हमारे फंदे इधर हैं वो उतने ही रहेंगे इस फंदे को और इसके पास वाले जाली वाले फंदे को लेकर हम दो का जोड़ा बनाएंगे और फिर ऊन अंदर लेकर फिर अपने आगे की बुनाई करेंगे एक साथ ही एक फंदा बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है तो इससे जो हमारी ये लाइन है ये ऊपर सीधी चली जाएगी ये जो पजामी है ये पचास फिफ्टी स्टिचेस से शुरू करी गई है पचास फंदों से जैसे बहा में धीरे धीरे बढ़ाए उसी तरह से हम बढ़ाते बढ़ाते आएंगे और यहां पर हमारे 120 सौ बीस हंड्रेड ट्वेंटी हैं इसकी जो टोटल लंबाई है वो 25 इंच है आप अपनी जरूरत के हिसाब से लंबाई रखेंगे यहां पर आकर फिर हमको सीधा जाना है ऊपर इसका तो ये देखिए ये 8 इंच है आप 9 इंच भी रख सकते हैं आप बड़ा रखना चाहते हैं यहां पर जाली डालकर ये नाड़ा डाल दिया गया है तो आप कैसे भी इसको बना सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से ये मैंने आपको एक आइडिया दिया पजामी बनाने का आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है यदि आप बुनाई के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को भी देखा करें इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद